आज मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए इफ्तारी। मैं सोच रही हूँ कि आज ना बिरयानी बनाते हैं। सोच के आई थी कि मैं वही तली हुई चीजें बना लूंगा, भाभी ने बिरयानी की फरमाइश कर दी। चावलों की धुलाई हो रही है और इसके बाद रीफ की धुलाई होगी। आज अल्लाह खैर ही हो, पता नहीं कैसी इफ्तारी बनेगी। अरे बात पे ना लगवा लेना यार, प्रोफेशनल शेफ। सबसे पहले ये बिरयानी खाएंगी भाभी, कोई ना अरीब ना भाई, सबसे पहले क्योंकि भाभी की फरमाइश। हाँ मैं, हम दोनों खुश हैं। देखने में पहले बताएं कैसी लग रही है बिरयानी। भाभी भाभी जितनी डाली है ना, लगता नहीं है बात है। This is me, Krakawal. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. आज का दिन खूबसूरत दिन शुरू हो गया है और आज है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रोजा स्टार्ट हो गया है। और जो सहरी है वो अरीब साहब ने बोला है कि हम बाहर जाके कहीं सहरी करते हैं। और ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखें जी, ये कल आप लोगों ने व्लॉग में देखा था कि ये रक्त शरीर जो है वो पूरा नहीं आया, तो ये अभी तक वैसे का वैसे पड़ा है। मैंने कहा था कि हम लोग जरा अगले दिन करेंगे, तो अभी अगला दिन शुरू हुआ है बहुत जल्दी, यू नो सहरी के टाइम स्टार्ट हो गया। और ये सोफा यहाँ पड़ा हुआ है, ये इधर घुसा हुआ है वो किचन में, तो ये चीज तो यहाँ पे हुई है पैक। ये चीजें तो हम आके बाद में कल समेटेंगे। फिलहाल हम लोगों को निकलना है, जाना है सैरी करने के लिए, क्योंकि आज अरीब कह रहे हैं कि दिल नहीं चाह रहा घर पे सैरी करने का, आज कहीं चलते हैं बाहर। तो जी मैंने कोट शॉर्ट जो है वो पहन लिया है और एकदम मैं हो चुकी हूँ मस्त किस्म की पैक। आई थिंक अरीब बुला रहे हैं, प्लान कैंसिल तो नहीं होगा? अगर कैंसिल हुआ ना तो फिर बताऊंगी मैं। भाभी नहीं मान नहीं जाने, बताओ ना तुम आगे बात करो उनसे, पूछो। भाभी को बनाऊं पहले? भाभी को बनाते हैं, भाभी चले। भाभी को है कि मेरे हाथ के पराठे खाओ, आप लोग कहाँ बाहर के शोरों पर मनाने जा रहे। अभी चले नहीं, क्यों क्यों गट्टू को हम पकड़ लेंगे फिर? आपने ना सैरी नहीं बनानी, हम आपको आपके लिए सैरी लेके आ रहे हैं, ठीक है? डन है, ओके डन। चलें जी, भाभी ने तो मना कर दिया, हम लोग दोनों अब जा रहे हैं मियाँ बीवी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अरीब हां जी, कहां लेके जा रहे हैं सैरी के लिए? मम्मी के घर। ना करो, नहीं मजाक कर रहा, साथ ही है। मैंने कहा शायद मेरे सरप्राइज देने लगे। पता नहीं, वो लोगों ने कुछ बनाया ना, वो आदमी को तंग करेंगे। अभी कहीं जाते हैं बाहर से, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं, कोई अच्छा समझ आया तो देख लेंगे, वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले सीट बेल्ट तो पहन ले, पीछे समझ आए फिर चले जाएंगे। अभी बस हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधा सैरी करने के लिए, देखते हैं हमें कौन सी जगह मिलती है और क्या आज सैरी मिलती है। लेट्स गो। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, अब बस चलते हैं और जाके करते हैं सैरी वगैरह। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं सैरी करने के लिए और ये प्लेटर हम लोग ने ऑर्डर किया है। ये एक रात हमारा खाना है और जो कि बड़ा यो लग रहा है, यम्मी यो लग रहा है ना। क्या लग रहा है? यो यम्मी यो, यम्मी यो लग रहा है। और मैंने अपने लिए सैलेड मंगवाया, मैंने ये नहीं खाऊंगा, मैं ये बताना चाहता हूँ। जिम जाने वालों की भी, जिम जाने वालों की भी क्या जिंदगी। ये मैंने क्रीम लगाई है जब से ब्लॉग शुरू किया आ रहा है, अरीब साहब ने क्रीम लगाई, चोट लग गई है ना चोट। अरीब का सैलेड भी आ चुका। अरीब आपने मटेरियल सैलेड बनाने को कहा था? हाँ, इसका तुमने उल्टा बनाया। अब मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह आपको ऐसा सैलेड बना के खिलाऊंगी, चिकंदर चिकंदर कट शट करके। सारी हो गई है सैरी वगैरह और हमने सारा खाना शाना खा लिया। अरीब आपने भाभी के लिए खाना पर पैक करवा लिया सैरी? नहीं, मैं भी कह रहा था उनको भी पैक करवा, जल्दी गए ना वो, जेन से निकल गया। नहीं बस कह के निकलते, भाभी के लिए खाना शाना पैक हो गया, अब बस निकलते हैं यहाँ से, चले अरीब घर चलते हैं। A few moments later. Finally, हम लोग पहुँच चुके हैं घर, अब चलते हैं। अरीब मैं भाभी को उठा के सैरी दे के आई, आप चले ऊपर फिर क्या? ओके, सैरी वगैरह जो है वो हमने भाभी को भी दे दी, उन्होंने भी सैरी कर ली और अब जो है वो अजाने हो चुकी हैं और हम लोग पढ़ने लगे हैं नमाज। इंशाल्लाह नमाज पढ़ के मैं जाऊंगी सो और आप लोगों से मुलाकात होगी उठ के। 8 hours later. चले जी गाइस, मैं उठ गई थी और उठ के मैंने थोड़े काम शाम निपटाए अपने। क्या काम निपटाए ये तो आपको देख के अंदाजा हो गया होगा कि भाई ये सारी सेटिंग की है। अरीब साहब भी शौक हो गए कि करा कवल, ये तुमने अकेली ने ये सारा काम कैसे कर लिया? लेकिन मैंने कहा यार ये सारी चीजें मैंने जमा कर ली हैं, जोड़ ली हैं, ये भी मैंने सारा सेट कर लिया, क्योंकि मुझे ना सही नींद नहीं आती जब मेरे घर में ना कोई कचरा या इस तरह की कोई चीज पड़ी हो, सेटिंग आउट हुई भी थी। तो खैर ये मैंने जैसे तैसे करके इसको जोड़ लिया, उस टाइम मैंने फोन यूज नहीं किया ताकि मेरा काम आपने देखा नहीं है यार। मैं सुबह उठ के परेशान हो गया, रात को मैं गंद छोड़ के गया था, सुबह उठ के सफाई, सैरी के बाद मुझे एकदम नींद नहीं आई, तो मैंने कहा चलो सेट कर लेते हैं। उठा देती मेरी बेचारी बेगम ने, अकेले सारे काम किए हैं। अकेले क्या, इसमें क्या, ये मैं टार्जन की तरह लगी, दिल नहीं, दिल को कुछ और था कि सेट क्यों हो रहा। हाँ मैंने कहा ये सेट क्यों नहीं हो रहा, मुझे उलझन हो रही थी। आप क्या कर रहे हैं? एसी लग रहे हैं, एसी लग रहे हैं। अल्लाह को ये गलत ना लगा देना कलर, गलत कलर कौन सा लग रहा है? ये कौन सा कलर लग रहा है इधर? अस्सलाम वालेकुम,
सिल्वर मेरे कमरे में गोल्डन, बाकी जगह पे सिल्वर, ये ना और चेंज कर देगा गोल्डन ये वाला। आज एसी वाला काम भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और फिर आज मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए इफ्तारी ड्यूटी वाली। आप बस मुझे बता दो कि आपको क्या डिशेस खानी है, क्योंकि मैं कल से तुम्हें दो दिन हो गए तो पता है क्या क्या डिशेस हम खाते हैं। ठीक है बनानी है पक्का। चलो ठीक है डन, मैं रेडी हो जाऊँ बस आज सारी की सारी इफ्तारी इकड़ा बनाएगी। मैं बस अब रेडी होके तैयार होके नमाज वगैरह पढ़ के कुरान पाक पढ़ के उसके बाद मैं चलती हूँ नीचे और फिर बनाऊंगी अनमफ्तारी। आप एसी वाला काम कर लें, ये आज के सारे हमारे काम जो है ना वो डन हो चुके हैं। अब मैं जरा होती हूँ तैयार। चलें जी गाइस हम हो चुके हैं रेडी, मतलब मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब भाभी को जाके बस नीचे यही कहना है कि किचन में जो खड़ा खड़क की आवाज आ रही है ये बंद कर दें क्योंकि मैं बनाऊंगी आज की इफ्तारी। डन डन चलो पहुंचो नीचे। पहले जाके मैं उनसे पूछूंगी कि उनकी फेवरेट डिश क्या है, वो क्या मतलब खाना इफ्तारी में बस वही चीजें बननी है जो बनती है रोज, वो चीजें बनानी है जाके देखो। आपसे नहीं मैं पूछी, मैं उनसे पूछ रही हूँ। आप इतने आपकी आपकी फरमाइश की मैं कोई चीज नहीं बना रही, समझ आई है। अब चलते हैं भाई नीचे, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। ये मट्टू सिंह जो है, ये मट्टू सिंह ये ऊपर आके इफ्तारी चुड़ी रोजा की करके और अब बैठ के यहाँ पे भी कार्टून देख रहा है बस, इसको और कोई काम नहीं है, सारा दिन यही करता है। ओह नो। तो भाभी आज का जो इफ्तारी का प्लान है वो ये है कि आज इफ्तारी मैं बना रही हूँ। अरीब आके बताए ना कि वो मैंने आपकी फेवरेट डिश, अरीब मुझे ना फरमाइशें कह रहा है जो पहले बनता है वो आप बस मुझे ये बताएंगी कि मुझे बनाना क्या। नहीं यार अभी शादी को कम टाइम हुआ है। लेकिन आज मैं बनाऊंगी, मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रहा है। पहले प्याज लग रही है और बनाते वक्त वो पता तो है क्या बनाना, जो सारी चीजें रोज बनती है वही बनाना और क्या बनाना है। नहीं वो नहीं, आज नहीं। भाभी आप बताएं आपकी फेवरेट डिश क्या है, मैं आज बस वही बना रही हूँ। यार मैं सोच रही हूँ कि आज ना बिरयानी बनाते हैं। बनाते हैं लो ये तो उल्टी पा रही है, अपनी तरफ से सोच के आई थी कि मैं वही तली हुई चीजें बना लूंगा, भाभी ने बिरयानी की फरमाइश कर दी। अरे वैसे आपने अगर मेरा एक व्लॉग ही देखा, मैं मम्मा से स्पेशल बिरयानी सीख के आई हुई हूँ और मुझे आती है बनानी। ठीक है इतने आप चलाक ना बने और मैं बना लूंगी। बहनों का बिरयानी बना के खिलाई है ताकि पेट खराब नहीं, ताकि पेट खराब होना तो पहले उनका हो, उनसे सीखा ही हूँ मैं। मैंने नहीं इफ्तारी में बिरयानी खानी, मैंने बाकी चीजें भी खानी, बाकी चीजें भी साथ लोगी यार, बाकी मैं बना लूंगी, बाकी का तो कोई मसला ही नहीं है। बिरयानी खाएगा और फ्रूट चाट, बिरयानी और फ्रूट चाट डन। चले डन भाभी, आज चीजें हमारी नहीं बनेगी, भाभी के लिए बिरयानी और फ्रूट चाट, ये आपको भी तली हुई चीजें बना है। ठीक है सारी जो तली हुई चीजें हैं वो अरीब और भाई के लिए बन जाएंगी और बिरयानी और जो फ्रूट चाट है वो भाभी और मेरे लिए होगी। ठीक है आप लोगों ने बिरयानी को देखते हैं भैया आज इफ्तारी कैसे बनती है। अगर तुमने कोई हेल्प ली भाभी की या किसी की, नहीं लेनी, आप हेल्प करोगे हस्बैंड ना? मैं हेल्प करूंगा। आप करेंगे ना? थोड़ी थोड़ी क्या आप हेल्प करेंगे? मैं खाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं प्रॉपर खाऊंगा उसको, ये मेरी हेल्प होगी। नहीं ये क्या प्रॉपर खाना है, वो तो इफ्तारी में सबने खाना। नहीं 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 मुझे वैसे आप चाहिए हो किचन में, मैं अभी ऊपर वो एसी लगवा रहा हूं ना, मैं आपकी जान निकालती हूँ। अरे कितने 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 आप चलाक है। अकेले आज किचन में घुसूंगी और क्या अपने जादुई हाथों से डिशेस तैयार करके बाहर निकलूंगी और फिर सबका रिव्यू लूंगी कि कैसा बना है। लेट्स गो। ये लो जादुई हाथ, बिरयानी आ गई। ये है तो तुम्हारी जादुई। अरे बाप ने अगर दोबारा रोस्टिंग की ना, यकीन करें कोई इफ्तारी नहीं मिलनी तो भाभी भी नहीं बना रही। बनाओ आज बिरयानी बनाओ, मजे मजे की। मेरे हाथ की स्पेशल, मेरी बात सुने भाभी, दही और टमाटर है बिरयानी पे, वो लीमू शीमू डलता है, हाँ लेकर आना तो वो फिर ये आपका देवर है, ये मुझे लेके जाएगा और रायता बना। मैं लेके तो चीजें जो मुझे बताना। नहीं मैं साथ चल रही हूँ। तुम चीजें वगैरह काटो ना, प्याज वगैरह काटो चीजें, तब तक मैं वो चीजें लेके आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, फिर मैं चीजें वगैरह काटती हूँ, तब तक फ्रूट चाट का सामान काटती हूँ। आज अल्लाह खैर ही हो, पता नहीं कैसी इफ्तारी बनेगी लेकिन बहुत मजे की बनेगी। डर गया अभी गाय से। हम लोग एंटर हो गए किचन में और अभी किचन में मेरा ये काम है कि सबसे पहले हम लोगों ने बिरयानी के लिए काटने हैं प्याज और भाभी की कोई हेल्प नहीं लेनी आज। चले जी फ्रिज से मैंने ये रोल भी निकाल ली है क्योंकि ये रोल को टाइम लगता है थोड़ा वो होने, क्योंकि मैंने चीजें फ्राई करनी है और साथ में मैंने प्याज भी काट लिया और भी धो के रख दिया है जी। अब बारी है चावलों को भगोने की। अब जो है ना वो कप से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। भाभी से थोड़ा सा पूछ लेते हैं। भाभी आपने किचन में आना नहीं था लेकिन आप खड़ी हुई हैं तो आप मुझे बताएं। कुछ नहीं होता नहीं, अरीब 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 के सामने भी नहीं। आप मुझे बताएं कितने कप? 5 कप। चलिए जी मैंने 2 कप डाल दिए हैं और अब ये तीसरा कप और टोटल हमने 5 कप जो है ना। तीसरा कप क्या हुआ? नहीं जाएगा सारा सामान जो मंगाया था आगे। मैंने भाभी को कहा भाभी आपने किचन में नहीं आना, भाभी फिर आके ना बस भाभी को पकड़ के पीछे बाहर कर दो क्योंकि भाभी मुझे बर्तन बता रही है यहाँ पड़े हैं यहाँ पड़े हैं। ठीक है कैसे मेरे सब 5 कप है। अरीब अरीब आप मुझे चाहिए हो किचन में अभी।
कितने चलाक है, इतना लो जी चावलों की धुलाई हो रही है। चावलों की धुलाई हो रही है और इसके बाद अरीब की धुलाई होगी। मैंने इतनी ज्यादा इकड़ा देखी है, मैंने मारना अरीब वो खत्म हो गई है, वो सूंडिया इकड़ा। अरीब सूंडिया नहीं, सुसरिया। अभी चावल चावल धो के ना फिर मैं मसाला बनाती हूँ बस। चलें जी, ये हमारे पास ना कुछ तिक्का मोटी मसाला था और ये योगर्ट अरीब लेकर आए हैं। ये हमने ना सारा बोटियों पे ना मसाला लगा दिया, ठीक है। अब इसको मिक्स करेंगे, इसको ऐसे ही बस मिक्स करके थोड़ी देर रख देंगे। ये चीजें मेरे पास सारी रेडी हैं, ठीक है। चले जी, अब हम जो है ना वो बिरयानी के प्याज को कर रहे हैं फ्राई हल्की आंच पे। जब तक ब्राउन होते हैं तब तक मैं ना थोड़े से फ्रूट काट लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इकरा तुम तो सीरियस ही हो गई हो, कोई हेल्प चाहिए बता दो। सारी अफ्तारी कैसे बनाओगी? आपने नोटिस नहीं किया मैं आपकी बातों को कितना सीरियसली? मैं हेल्प कर दूं, कुछ बना दूं, साल कुछ इस तरह, तो कैसे? तुम्हारा भी रोजा है, मेरा भी रोजा है, लेकिन जब मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी आप तब मेरी हेल्प करेंगे। अभी फिलहाल मैं फ्रूट काट रही हूँ और मुझे पता है कि इसमें नहीं देखो। आराम से उंगली ना काट लेना, आराम से। चलें जी, मेरे सारे जो एप्पल हैं वो कट चुके हैं, हम बाउल में उंडेलेंगे और जाके जरा बिरयानी की सूरत हाल। सारा वो ब्राउन फ्राई हो गया था, अब उसके अंदर जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था वो हमने सारा इसके अंदर मिक्स कर दिया है। या अल्लाह, बस सही से फ्राई हो रहे, भुन जाए नहीं तो मेरा दिमाग भुन जाएगा। अरीब ने कह रहा है तुमने ये क्यों बिरयानी वाला पंगा लिया, ले तो लिया लेकिन अब इसको पाया तक मिल तक भी नहीं पहुंचाऊंगी। लेट्स गो बेगम, थोड़ी हेल्प करवा दूं, थक नहीं गई? अरीब हाथ पे ना लगवा लेना यार, प्रोफेशनल शेफ। यार यू आर नॉट प्रोफेशनल शेफ, यू आर मेकिंग गन। आप इसके लाल रंग ना छोड़े, इस तरह ध्यान से काटना। स्ट्रॉबेरी वेरी सेंसिटिव लाइक इकरा, ये कैसे काट रहे हो आप? जैसा तुमने कहा अरीब लंबाई में काटने या चौड़ाई में काटी जा रहे हो? तो एक ही बात है, पर नहीं जाना पेट में ही है ना, जैसे मर्जी काटो। नहीं ना, वो लंबाई में जरा, अगर किसी ने नहीं खाने तो वो निकाल सकता है। अरीब ये काम आपसे नहीं होना, आप वापस आ रहे हो इतने। आप देखो अरीब, इसको कभी भी ऊपर नहीं रखते, इसको हमेशा नीचे वाली साइड पर रखते हैं। किसने कहा है? किसने बनाया इकरा का वाले रूल? जब मेरी हेल्प करनी है ना तो मेरे मुताबिक करनी पड़ेगी, जो मुझे हेल्प चाहिए। ऐसे? हाँ यस। अब देखो आसानी होगी, आराम से कट। ये तो ना कि आसानी होगी। हाँ ये देखे हुई ना। अब खजूरे है, सिर्फ वो खजूर जो क्या हुआ है? कुछ भी नहीं कर। अरे मैं आपकी जान निकाल दूंगी, समझ आई है? छुरी बहुत तेज है, इकरा की तरह। बिल्कुल इकरा की तरह। भाभी को हमने आज क्या कुछ करना नहीं, तो भाभी जाके कमरे में बैठ गई, नजर ही नहीं आ रही है, बाहर आ सकती है। वाह वाह वाह, परफेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू। मैंने सारी इफ्तारी बनाई है। या अल्लाह, ये जो लड़का है ना, ऊपर दो एसी लग गए बाकी दो क्या बना यार, ऊपर वो कमरे वाला मैंने सुना है लग रहा है। तो वो पर्दे का कोई इशू तो नहीं हुआ? पर्दा वो कह रहे थे इसको थोड़ा नीचे करना पड़ना है। हाँ, उसको थोड़ा नीचे कर दिया हमने, कर दिया, फिक्स भी कर दिया उन्होंने, बस वो कर रहे हैं। चलो ध्यान से करवा लेना मेरे कमरे में, देखो कहां पे पहुंची है। चलो बिरयानी पास चलते हैं भाई, मेरे हस्बैंड को ज्यादा बिरयानी की टेंशन हो। बिरयानी में मैंने अभी सिर्फ इसके ऊपर प्लेट रखी है कि ये प्रॉपर भुन जाए, मसाला बन जाए, उसके बाद इसके अंदर इसको दम दूंगी। बाकी सारे काम हो गए हैं, आप सिर्फ तलने वाली चीजें रह गई हैं। तलने वाला रह गया यार, इकरा तो प्रो मैक्स नहीं होगी। देखना जरा, चल क्यों नहीं रहा? वो गैस ऑन नहीं है अभी, नहीं हुई अभी, इतनी भी प्रो मैक्स नहीं हुई। वापस कर लेता हूँ अपने लिफाफे, एक मिनट को भी यहाँ पे जो है ना, पहले इस ऑयल को साफ करो, उसको छानी से साफ करो, छानी और फिर सारा आप तलने शुरू करो। पतासा आलू सब खाते हैं, ये वो वाले आलू हैं। हमारा जो ऑयल है वो हो चुका है इस वक्त बिल्कुल साफ, छाननी से हमने कर लिया। अब इसको हम लोग जो है ना वो प्रॉपर मैरिनेट करेंगे, ठीक है। इकरा फ्राई वाला काम ना वो थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। ध्यान से ये क्या कर रही हो यार? अरे मेरा मजाक बना रहे हो यार। ये सारे आलू हो गए हैं, ये भी डाल दूंगी, ये भी पक जाएंगे। ये फिर ये पक के तुमने खाने हैं, और तो किसी ने खाने नहीं है। मतलब अच्छा, ठीक है, समझ गई ना। गुड गर्ल गुड गर्ल, निकल जाए बाहर, बाय बाय, ओए अल्लाह, ये चावल मैंने खोले हैं तो ये बन गए हैं पप्पा। अब सही है अभी तो नहीं है रीब, वो गल गए हैं ज्यादा, पप्पा होते हैं जो जुड़ जाते हैं। हाँ वो जुड़ जाते हैं ध्यान से। अरीब ये आप मेरी हेल्प कर दें, ये मैं कर देता हूँ, ये कर देंगे आप, क्योंकि ना थोड़े वजनी है और मेरी कलाइयां दुखी, टिट्टियां कलाइयां। यहां मैंने थोड़ी सी ली है अरीब की हेल्प, सारी बिरयानी सारा कुछ मैंने किया। अल्लाह झूठे अरीब, ध्यान से बस, ध्यान से अरीब, बहुत गर्म है, इसका ख्याल रखना। अरीब को पता लग रहा है बिरयानी बनाना सिर्फ खाना आसान है, मुंह देखे इसका धुआं पड़ रहा था। सही तो है, चावल पप्पा तो नहीं बना, नहीं वो एक किनारा इसका कच्चा रखते हैं ना ताकि वो दम में पके, अब तो बिल्कुल ही गल जाएंगे। नहीं तो थोड़ी चावल इसके अंदर निकाल लो। हाँ ये मैं चम्मच से निकाल लेती हूँ। चले जी, हमारे ये भी फ्राई हो गए हैं, रोल हमने निकाली है, अब इसको फ्राई करेंगे। हमारे सैंडविचेस भी बन गए हैं, चावल अभी ठंडे हो रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि सालन को मैं गर्म करूंगी।
और हमारे पास जो है फ्रूट चाट भी बन चुकी है, ठीक है। फटाफट अब बस आखिरी काम है, वो है दम देना और पीने के लिए कुछ बनाना, जूस बनाना। तो बस ये दो काम रह गए हैं बस। अरीब साहब जो है ना वो मेरी भरपूर मदद करते हुए, कर रहा हूँ कढ़ाई ज्यादा मजे की लगेगी बिरयानी से, चावल पपा बन गए। अरे मैं मारूंगी आपको, लेकिन ये भी ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम इसको देने लगे हैं दम। यहाँ से ना मैंने हल्का फुल्का ऑयल पहले डाला है ताकि ना वो नीचे ना लगे। वाह भाई वाह, बिरयानी तो अच्छी लग रही है। मुझे जरा ये करने दे, गार्निशिंग कर लूंगी, उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर कलर डालना है। पीने वाला पानी भी रख दिया है। ओके है, कुछ रह गया है? कुछ नहीं रह गया, बिरयानी रह गई हमारी। हाँ बिरयानी पे दम लगा हुआ, बिरयानी खाने के बाद कहेंगे मेरा सैंडविच का है ब्राउन ब्रेड वाला। ओए चलो कोई बात नहीं, आज तुमने बिरयानी बनाई है, उसके लिए अपनी डाइट किल करता हूँ आज। वाकई ओके चले जी गाइस, इफ्तारी का टाइम हो चुका है, रोजा इफ्तार हो चुका है, सारा खाना मेन्यू शेन्यू डन है, भाई भाभी आ चुके हैं, सब लोग बस अब रोजा इफ्तार करते हैं। उसके बाद जो है ना वो बिरयानी जो है वो दम से खोलेंगे और फिर बिरयानी खाएंगे, पहले हम रोजा इफ्तार करते हैं। इसे पूछते हैं फ्रूट चाट खाने, सच सच बताएं कैसी लगी आपको इफ्तारी आज की? अच्छी बनी हुई थी। आलू पतासा मेन चीज है, वो किधर है बिरयानी? वो कब आएगी? भाभी इंतजार कर रहे, भाभी आ जाए। वो मुझे लगता है पतासा बन गया उसका, वो पुछ पुछ हो गया। चावल अलग अलग होना चाहिए। इकरा बिरयानी तो मुझे देखने तो बड़ी अच्छी लग रही है, देखने में नहीं अच्छी बनी है। पापा पापा थोड़ा सा हो गया है लेकिन ठीक है, हो गया है क्योंकि मुझे वो हिसाब नहीं किया, बस मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। जाकर सर्व करते हैं सबको लस्सी के क्या रिएक्शन होता है ये फलूदा बिरयानी का। चले जी गाइस, हमारी बिरयानी आ चुकी है, अब सबसे पहले ये बिरयानी खाएंगी भाभी, कोई ना अरीब ना भाई, सबसे पहले क्योंकि भाभी की फरमाइश है। हाँ हम दोनों खुश हैं, भाभी खाएं पहले। अगर बाकी है तो फिर हम खाएंगे सारी भाभी के लिए। भाई आप क्या कह रहे हैं, भाभी आप आए, आप ट्राई करें। चले जी भाभी, देखने में पहले बताएं कैसी लग रही है बिरयानी? भाभी भाभी जितनी डाली है ना लगता नहीं है उनको, नहीं नहीं अभी चख नहीं है ना, अभी डाले हैं पूरा डाले ना, ये बात है भाई, अभी तो चख रही हूं ना, तुम डाले ना चाहे। आप क्यों भाभी को कंफ्यूज कर रहे हैं, पहले मुझे आप ये बताएं। भाई कंफ्यूज क्या कर रहे हैं भाई, एक तो स्पेशल बनाई है वो डाल रही नहीं, डाली जा रही है, भाभी ने नवाला खाया, भाभी ने नवाला खाया। चावल जरा नरम हो गए लेकिन ये खट्टी खट्टी और वो आलू बुखारा स्पाइसेस ठीक है, स्पाइसेस ठीक है। ओ माय गॉड, वो जो मैंने मैरी ने दिल रखा चावल, चावल मैंने खट्टे हो गए, चावल बाकी ठीक है, लग गया लेकिन चालू बन रहा है। नहीं नहीं हाथी निकल गया, पूछल रहेगी ये। ये वो हिसाब है, यानी अप्रूव किया आपने कि नहीं की? मजे के टेस्ट पर बहुत मजे के, इसलिए आपने तरह से डाले। अगर ना खाए ना आपने, क्योंकि भाभी की फरमाइश पे बने हैं। चलो मुझे डाल के दो, मैं भी खा के टेस्ट करूं। आप भी खा के टेस्ट करें, आपको भी मैं बिरयानी है बरीद साहब को डाल के देता हूं। अरे बाप, पहले इतनी सी खा के ट्राई करें फिर आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको चम्मच देती हूं। मुझे रायता भी तो बनाया है ना, ये रायता ट्राई करें सर। ओए बरीद कैसा बनी है? चावल नरम हो गए लेकिन बाकी मसाले हो गए। अरे भाभी की नकल, चावल नरम हो गए लेकिन मसाले हो गए। लेकिन मैंने तो आपका रिव्यू पूछा है ना, सीरियसली बस चावल नरम हो गए बाकी सब कुछ ये डर के रिव्यू नहीं है। तो भाई नरम होने मुझे तो ये नहीं समझ। हाँ पेट में जाके भी भाभी नरम होने ना, नरम चावलों का जाके इसकी ज्यादा खिचड़ी बननी है। लेकिन ना बात ये है कि एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से मसाले खाते हिलने लग पड़ते हैं। चले भाई खाएं, बताएं कैसी? अगर ये वो थोड़ा सा नरम ना हुई होती हाँ तो बहुत मजे की, तो बहुत मजे की। तो फिर हम अपना वो लगा लेते लाहौर नसीब बिरयानी, एस्ट्रोलॉजी नसीब बिरयानी, जाना मजे की बनी है, अच्छी अच्छी लगी है ना, टेस्ट वाइज बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है। चले बस अब मैं भी खाती हूँ, मेरा अब मेरी बारी है। थोड़ा मसाला हुआ बाकी ओके है, बाकी ओके है ना, बस परफेक्ट है। अब मैं खाने लगी हूँ खुद बिरयानी, बस खाते हैं फिर आपको मैं खुद टेस्ट करके बताती हूँ कि भाई मेरे हाथ में क्या टेस्ट है और मैंने क्या बनाया। लेट्स गो। जो मम्मा के घर बनाई थी ना उस तरह वाली नहीं बनी, क्योंकि शायद मैंने भी जल्दी जल्दी में बनाई है और थोड़े सॉफ्ट हो गया, खाई जा सकती है भाई, थोड़ी एफर्ट किया, बट अब खाती हूँ खाना शाना। लेट्स गो। हमने इफ्तारी वगैरह कर ली, नमाज वगैरह पढ़ ली, अब जो है वो बस टाइम है रेस्ट करने का, क्योंकि आज मैंने एक्स्ट्रा ही काम कर लिया, बहुत ज्यादा काम कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। खैर मुझे मजा आया किचन में काम करके, थोड़ी जल्दी होती है इफ्तार के लिए, लेकिन वैसे जब बंदा नॉर्मली करता है ना तो फिर जरा थोड़ा सा हो जाता है कि यार टाइम का मार्जिन होता है, आप इजिली कर सकते हो। तो आज जरा चावलों का थोड़ा मसला हो गया था, बाकी इंशाल्लाह आपकी ये
बेस्ट व्लॉगर इंशाल्लाह प्रो मैक्स शेफ भी बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।